भारत में Xiaomi की Redmi 6 सीरीज को लॉन्च हुए 7 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। अब वाटरड्रॉप नॉच और ग्रेडिएंट फिनिश वाले स्मार्टफोन्स पॉपुलर हो रहे हैं। इस वजह से प्रतिद्वंदी कंपनियां अपने नए स्मार्टफोन्स पर काफी काम कर रही हैं। Xiaomi ने अब 8000 रुपए से कम के प्राइस सेगमेंट में एक नए स्मार्टफोन को उतारा है। Xiaomi Redmi 7 एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है जो हर किसी को पसंद आ सकता है। इसमें हर वो बात है जो ग्राहक को चाहिए होती है। मजेदार बात तो यह है कि Xiaomi ने इसके कंपेनियन मॉडल Redmi 7 Pro या Redmi 7A को अभी तक लॉन्च नहीं किया है। इस रिव्यू में हमने Redmi 7 पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। आइए जानते हैं कि क्या Xiaomi ब्रांड का यह फोन Samsung, Honor, Realme और अन्य प्रतिद्वंदी कंपनियों के स्मार्टफोन से आगे है या नहीं। आजकल स्मार्टफोन्स को बड़े डिस्प्ले पैनल के साथ उतारा जा रहा है और इसमें Redmi 7 का नाम भी शामिल है। Xiaomi ने Redmi 7 को 6.26 इंच की स्क्रीन के साथ मार्केट में उतारा है। यह HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। फोन की स्क्रीन थोड़ी रिफ्लेक्टिव है लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है। गेम्स और वीडियोस देखने में अच्छे लगते हैं पर टेक्स्ट पढ़ते वक्त थोड़ी परेशानी हो सकती है। डिस्प्ले के कलर्स और व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं पर सनलाइट लेजिबिलिटी की तारीफ नहीं की जा सकती। सभी डायमेंशंस में Redmi 6 की तुलना में Redmi 7 एक बड़ा स्मार्टफोन है और वजनदार भी। कम कीमत वाला Redmi 7 मॉडर्न डॉट नॉच के साथ आता है, लेकिन अगर आप बिना बेजल वाले फोन को ढूंढ रहे हैं तो यह आपके उम्मीद के हिसाब से फिट नहीं होता है। अच्छी बात यह है कि Xiaomi ने Redmi 7 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया है। फोन का बैक पैनल मोल्डेड प्लास्टिक से बना है जिसे नैनो स्प्रे से फिनिश किया गया है। हमारे पास रिव्यू के लिए मौजूद यूनिट ग्लॉसी और ज्यादा रिफ्लेक्टिव है। फोन को रिटेल बॉक्स से बाहर निकालने के कुछ ही पलों में इस पर उंगलियों के निशान और धब्बे पड़ गए थे। हमने नोटिस किया कि फोन के पिछले हिस्से पर धूल और फाइबर के छोटे कण चिपक जाते हैं। ऐसे में Redmi 7 को नया जैसा रख पाना असंभव है। ग्लॉसी रियर पैनल मैट प्लास्टिक फ्रेम से बने एज पर आकर मिलता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से स्मूथ नहीं है। फोन के पिछले हिस्से पर दिया फिंगरप्रिंट सेंसर और दाहिनी ओर दिए पावर और वॉल्यूम बटन तक हाथ आसानी से पहुंच जाते हैं। फ्रंट कैमरा के ठीक ऊपर पतले ईयरपीस को जगह मिली है और सेंसर छिपे हुए हैं। फोन के निचले बॉर्डर पर एक छोटी LED लाइट दी गई है जो फोन के चार्जिंग होने पर जलती है और बैटरी फुल होने पर बंद हो जाती है। बैक पैनल पर दिया डुअल कैमरा मॉड्यूल दिखने में थोड़ा छोटा लगता है। फोन के ऊपरी हिस्से में आपको 3.5 mm हेडफोन जैक और अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए इंफ्रारेड एमिटर मिलेगा। फोन के बाईं और ऊपर की तरफ सिंगल ट्रे हैं जिसमें दो नैनो सिम और माइक्रो SD कार्ड को लगाया जा सकता है, जो कि काफी अच्छी बात है। फोन के निचले हिस्से में दो ग्रिल हैं लेकिन इसमें से एक स्पीकर है। USB टाइप सी पोर्ट होता तो अच्छा था, लेकिन कीमत को देखते हुए माइक्रो USB पोर्ट से कोई शिकायत नहीं है। Redmi 7 में 1.8 GHz Octa-Core Qualcomm Snapdragon 632 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है, यानी आपको इस स्मार्टफोन में ज्यादा सक्षम चिपसेट मिलेगा। याद करा दें कि Redmi 6 MediaTek Helio P22 प्रोसेसर और Redmi 6 Pro Snapdragon 625 प्रोसेसर से लैस है। Xiaomi ने भारत में Redmi 7 के दो वेरिएंट उतारे हैं। दोनों ही वेरिएंट 32GB स्टोरेज से लैस हैं। अंतर केवल इतना है कि बेस वेरिएंट 2GB रैम के साथ आता है जिसकी भारतीय बाजार में कीमत 7,999 रुपए है। वहीं इसके 3GB रैम वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपए है। कंपनी की यह रणनीति थोड़ी अटपटी लगी। अगर आप अपने बजट को 1,000 रुपए बढ़ा सकते हैं तो Redmi Note 7 स्मार्टफोन मिल जाएगा। वहीं Redmi 6 के दोनों ही वेरियंट 3GB रैम वाले थे। एक में 32GB स्टोरेज थी जिसका दाम 7,999 रुपए है। 1500 रुपए ज्यादा खर्च कर 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल जाएगा। हमारा रिव्यू यूनिट Android 9 Pie पर आधारित MIUI 10.2 पर चल रहा है। बिना किसी अकाउंट को सेटअप किए म्यूजिक ऐप की मदद से आप हंगामा से सॉन्ग्स को स्ट्रीम कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऐप में आपको वायरस स्कैनर और कुछ प्राइवेसी टूल, गेम स्पीड बूस्टर, बैटरी और स्टोरेज कंट्रोल मिलेंगे जो आमतौर पर सेटिंग्स ऐप में होते हैं। MIUI में विज्ञापन के अलावा Redmi 7 को इस्तेमाल करना आसान है। कभी कभी कॉलिंग के दौरान और ऐप स्विचर में स्क्रॉल करते समय फोन थोड़ा धीमा हो जाता था। हम स्पीकर से काफी प्रभावित हुए। यह बिना डिस्टॉर्शन के तेज आवाज देता है लेकिन आपको ज्यादा बेस नहीं मिलेगा। Google Play Store पर आपको दिखेगा कि Asphalt 9 Legends फोन के साथ कंपैटिबल नहीं है तो हम इसे टेस्ट नहीं कर पाए। PUBG मोबाइल डिफॉल्ट में मीडियम सेटिंग्स पर चला। गेम खेलने का अनुभव स्मूथ था।
थोड़ी देर के बाद हमने नोटिस किया कि फोन का ऊपरी हिस्सा थोड़ा गर्म हो जाता है। Redmi 7 में जान फूंकने के लिए 4000 mAh की बैटरी दी गई है। फोन की बैटरी ने हमें बहुत प्रभावित किया। हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में फोन ने 17 घंटे और 9 मिनट तक साथ दिया। हमने फोन में वेब ब्राउजिंग, फोटोग्राफी, गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग करके देखी और दिन के अंत में तकरीबन 30% बैटरी शेष बची थी। कैमरा सेटअप की बात करें तो Redmi 7 में फोटोग्राफी के लिए 2 सेंसर कैमरे दिए गए हैं, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर। यह एक्स्ट्रा जूम या वाइड एंगल लेंस के साथ नहीं आता, लेकिन कैमरा ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीन को डिटेक्ट कर लेता है और कैमरा सेटिंग्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। सामान्य प्रो और पोर्ट्रेट मोड के अलावा फोटो और वीडियो मोड्स में आपको टिल्ट शिफ्ट, ब्यूटिफिकेशन, ग्रुप सेल्फी, टाइम लैप्स और गूगल लेंस जैसे अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। हमें Redmi 7 से लिए कैमरा सैंपल्स पसंद आए। सूरज की रोशनी में ली गई तस्वीरें में शार्प फोकस की झलक देखने को मिली। ब्राइट लाइट में Redmi 7 एक्सपोजर और परछाई को अच्छे से हैंडल कर लेता है। हमें उम्मीद थी कि फोटो ज्यादा वाइब्रेंट और पंची कलर्स के साथ आएंगे। हम Redmi 7 से लिए गए ब्राइट लो लाइट शॉट्स को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तस्वीरों में कलर्स भी अच्छे से कैप्चर हुए। हालांकि इन तस्वीरों में काफी नॉइस थी और जूम इन करके देखने पर हमें ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा आपको मोशन ब्लर की भी झलक तस्वीरों में देखने को मिल जाएगी। यह फोन 1080p रेजोल्यूशन वाले वीडियो को 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर रिकॉर्ड करने में सक्षम है। हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किए वह हमें डल लगे, साथ ही वीडियो में जर्क का भी एहसास हुआ। रात में रिकॉर्ड किए गए फुल HD वीडियो में डिटेल सही से रिकॉर्ड नहीं होते हैं। Xiaomi ने Redmi सीरीज को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। नए Redmi 7 में बेहतर फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हैं और यह Redmi 6 की तुलना में ज्यादा मॉडर्न लुक के साथ आता है। कुछ बात तो हमें पसंद नहीं आई, शुरुआती वेरिएंट में कम रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट का ना होना। Redmi Note 7 और Redmi Y3 दोनों की शुरुआती कीमत 9,999 रुपए है, मतलब Redmi 7 के टॉप वेरिएंट से मात्र 1,000 रुपए अधिक। ऐसे में कई ग्राहक असमंजस की स्थिति में रहेंगे। भारत में Redmi 7 की सीधी भिड़त Realme 3, Samsung Galaxy M10 और Asus Zenfone Max M2 या Zenfone Max Pro M1 से होती है। कुल मिलाकर इस कीमत में फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की वजह से Xiaomi के इस फोन की दावेदारी ज्यादा मजबूत लगती है, लेकिन फोन में सॉफ्टवेयर अनुभव, खास तौर पर विज्ञापन, लोगों को काफी निराश कर सकता है। तो यह था हमारा Xiaomi Redmi 7 का रिव्यू। अन्य टेक न्यूज और रिव्यूज के बारे में जानने के लिए gadgets.netv.com/hindi पर लॉग इन करें।